Hello everyone, I am Puneet and in this video I will be talking about Canada current visa processing time. So कब तक अक्टूबर नवंबर और दिसंबर जो जनवरी वाली फाइल स्टक हुई पड़ी हैं जिनका अब तक रिजल्ट नहीं है, कब तक वो रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड करंटली कौन सी एप्लीकेशन या फिर कौन सी डेट्स की एप्लीकेशन करंटली प्रोसेस हो रही हैं। आपने देखा होगा कि अप्रैल की भी फ्यू एप्लीकेशन के रिजल्ट आ रहे हैं, फेब के भी आ रहे हैं और करंटली ये चल के आ रहा है, करंटली करंट प्रोसेसिंग टाइम क्या चल रहा है। सो कब तक आपकी जो एक्सपेक्टेड आप डेट है जो आपको पता चल जाएगी, कब तक आपकी पीपीआर या फिर डिसीजन आ सकता है इस वीडियो के एंड तक। सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल एंड, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो इसके पहले कि मैं आपको ये बताऊँ कि करंटली करंट ट्रेंड क्या चल रहा है, आपको समझना पड़ेगा कि एम्बेसी कैसे वर्क कर रही है, करंटली क्या चीज़ चल रही है। सो आफ्टर पैंडमिक आप देख सकते हैं कि सारा प्रोसेसिंग टाइम इधर से उधर हो चुका है उनका एंड करंटली मैं कह सकता हूँ कि कोई भी पक्का नहीं है कि इतने टाइम बाद आपकी जो पीपीआर है वो आएगी, बट हम एक एक्सपेक्टेड डेट ला सकते हैं। जो भी करंटली पीपीआर आ रही हैं, फाइल लॉस्ट डेट लगी है, उनसे एक एक्सपीरियंस गेन करके, उनको देख कर नोटिस करके हम लोग एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तब कौन सी डेट तक आपकी जो एप्लीकेशन है प्रोसेस हो सकती है। सो सबसे पहले मैं बात करूंगा जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी वाली फाइल्स हैं जिनका अब तक तक रिजल्ट नहीं आया, उनका कब तक आ सकता है। इस वीडियो में मैं स्टडी परमिट की बात करूंगा ओनली। सो आपने देखा होगा करंटली क्या हो रहा है कि मैंने भी काफ़ी नोटिस किया है हमारे ऑफिस में भी और इंटरनेट पर भी, काफ़ी एप्लीकेशंस के रिजल्ट आ रहे हैं अक्टूबर नवंबर दिसंबर वालों के। मीन्स बात ये है कि करंटली वो फोकस किया हुआ है उन्होंने कि जो भी फाइल्स पीछे स्टक हुई पड़ी हैं नवंबर दिसंबर या फिर अक्टूबर वाली, उनको क्लियर किया जाए। अक्टूबर के रिजल्ट भी मैंने काफ़ी देखे हैं, नवंबर के रिजल्ट भी काफ़ी देखे हैं, दिसंबर के रिजल्ट भी देखे हैं। सो अगर आपकी प्रोफाइल अब तक स्टक है देन आपका रिजल्ट है जो सून आ जाएगा, बट मेन थिंग ये है कि आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट सबमिटेड है। मीन्स ये बात है कि आपका करंट स्टेटस क्या है DLA के साथ, वो सबमिटेड है एम्बेसी को, आपका मेडिकल एक्सपायर नहीं है। मीन्स बात यह है कि आपका कोई भी डॉक्यूमेंट एक्सपायर नहीं होना चाहिए आपकी एप्लीकेशन में। आपने जब भी एक एप्लीकेशन सबमिट करते हैं या फिर आपका कोई भी इनटेक होता है, जब आपका इनटेक वो निकल जाता है, आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो आप डेफर करवाते हैं या फिर इनरोल होते हैं ऑनलाइन स्टडीज़ के लिए। दोनों ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन चूज़ करनी पड़ती है, या अगर भी कोई भी ऑप्शन चूज़ करते हैं आपको इनरोलमेंट लेटर मिलता है या फिर डेफरमेंट लेटर मिलता है। बट इंश्योर कीजिए कि आपने वो लेटर सबमिट किया हुआ है एम्बेसी को, सो ताकि जो आपका रिजल्ट है होल्ड पर ना जाए, सो आपकी एप्लीकेशन है वो जल्दी से जल्दी प्रोसेस हो। या तो आपको डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट आ सकती है एम्बेसी से, आपको पूछा जा सकता है कि आपका करंट स्टेटस क्या है DLA के साथ, या फिर आप खुद से सबमिट करवाएं ताकि जो आपका टाइम है वो बच सके। क्योंकि जब आपका ऑफर लेटर होता है उस पर एक ज्वाइनिंग डेट होती है या फिर रजिस्ट्रेशन डेट होती है, वो एक्सपायर हो चुका होता है ऑफर लेटर जब भी आपका इनटेक निकल जाता है, सो दैट्स वाई आपको अपडेट करवाना होता है। सो अगर आपने जो ऑलरेडी अपडेट करवाया हुआ है देन आपका जो डिसीजन है कभी भी आ सकता है। मैं कह सकता हूँ कि जब जैसे जिस हिसाब से करंटली भी एप्लीकेशन प्रोसेस हो रही हैं, सो आपका डिसीजन है जो एप्लीकेशन का वो आज रात को भी आ सकता है, ऐसे तो आपका ये अगले नेक्स्ट वीक भी आ सकता है। सो आपकी एप्लीकेशन कभी भी प्रोसेस हो सकती है। सो बट श्योर है कि आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस है जो सून होगी, जो भी पीछे फाइल्स स्टक हुई पड़ी हैं अक्टूबर नवंबर दिसंबर या फिर जनवरी वाली। सो नेक्स्ट बात करते हैं कि करंटली कनाडा वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम क्या है। जब भी आप एक एप्लीकेशन सबमिट करवाते हैं देन जो भी मैंने पीछे बताया कि प्लीज़ आपका जो भी करंट स्टेटस होता है DLA के साथ या फिर मेडिकल अगर आपका एक्सपायर है देन प्लीज़ उसको अपडेट रखिए अपने पोर्टल में उन सारी चीज़ों को, ताकि जो आपका डिसीजन है वो होल्ड पर ना जाए। सो करंटली जो प्रोसेसिंग टाइम मैं कह सकता हूँ कि करंटली जो फोकस है एम्बेसी का वो जो पीछे फाइल्स हैं उन पर है, उनके रिजल्ट्स मैंने काफ़ी देखे एज़ कम्पेयर टू जो कि करंट ट्रेंड है। करंटली 10 फेब के अराउंड जो एप्लीकेशन सबमिटेड हुई थी उनके रिजल्ट आ रहे हैं। सो आपने देखा होगा फ्यू पीपीआर रिक्वेस्ट्स भी आती हैं, जो फ्यू पीपीआर रिक्वेस्ट्स आती हैं जो लाइक अप्रैल वाले की भी आई हैं। सो वो मैं कह सकता हूँ कि वो अलग उनकी किस्मत है कि उनका रिजल्ट इतना जल्दी आ गया। सो बट मेजॉरिटी में जो करंटली एप्लीकेशंस प्रोसेस हो रही हैं वो हो रही हैं अराउंड 10 फेब के जो अराउंड सबमिट हुई थी उनकी। सो जनवरी के भी रिजल्ट मैंने देखे हैं जो लास्ट वीक में सबमिट हुई थी जनवरी के, उनके भी रिजल्ट आ रहे हैं, बट मेजॉरिटी में 10 फेब के जो अराउंड एप्लीकेशन सबमिट हुई थी उनके रिजल्ट आ रहे हैं। एंड मेन थिंग इज़ दैट कि आपके पास इतना टाइम होना चाहिए कि आप जब भी एक न्यू एप्लीकेशन सबमिट करवाने जा रहे हो देन
बी श्योर कि आपके पास इतना टाइम हो, आपका इंटेक इतना हो कि आपका जो करंटली जो अराउंड 75 डेज या फिर 80 डेज के अराउंड जो वीज़ा आ रहा है, सो आपके पास इतना कैलकुलेट किया हो टाइम हो कि आप कल को पासपोर्ट स्टैम्पिंग भी आराम से करवा सकें और आपकी ट्रैवल डेट है उसको भी आप आराम से चूज़ कर सकें। सो गाइज, इन दिस वीडियो आई होप ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल रही होगी। देन अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। एंड इफ़ यू ऑल्सो वॉन्ट माई असिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ योर वीज़ एप्लीकेशन या फिर आप प्रोफाइल डिस्कशन करना चाहते हो, देन यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दैट नंबर। सो ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। बाय बाय।